आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर वन डिजिटल चैनल उत्तराखंड खबर। नमस्कार, उत्तराखंड खबर में आपका स्वागत है। मैं प्रियंका रावत और आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के प्रदेश अध्यक्ष विनोद खंडूरी जी। उत्तराखंड में चुनावी हलचल शुरू हो गई है, आइए इनसे जानते हैं कि इस बार उत्तराखंड की राजनीति में क्या कुछ चल रहा है। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका उत्तराखंड खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका। जैसे कि आपने पूछा कि आज की जो राजनीति के एक माहौल चल रहा है, जो चुनाव का एक माहौल चल रहा है, हर एक पार्टी के अपने अपने हथकंडे होते हैं और चुनावी जब माहौल शुरू होता है, गर्म गर्मी जब शुरू होती है, तो मैं काफ़ी चुनाव लड़वा चुका हूं, इसमें होती है पार्टियां अपने अपने पक्ष रखती है। पार्टी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि थोड़ा सा निराश होते हैं तो दूसरी जगह भी जाते हैं, लेकिन आज के दिन पर आप देख रहे हैं, जैसे पिछले चुनाव में भी 8-9 लोग ये एक साथ आए थे भारतीय जनता पार्टी में, का दायित्व भी अपने पास रखा, तो काफ़ी लोग हो सकता है उसमें नाराज हुए हों, लेकिन उनको मनाने में भारतीय जनता पार्टी भी सक्षम है, जैसे कि कांग्रेस सक्षम है वैसे ही भारतीय जनता पार्टी सक्षम है। और मैं ये नहीं मानता कि भारतीय जनता पार्टी से ही लोग इधर उधर गए हैं, मैं ये भी आपको बोलूँगा कि कांग्रेस से भी बहुत लोग जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, तो ये तो चलता रहता है राजनीति में। तो जहाँ तक मुझे अपना एक इतने सालों का जो अनुभव है, मेरा अनुभव बोल सकता है कि आज केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री जी की जितनी योजनाएं हैं वो पूरे भारतवर्ष को रिएक्ट कर रही है। भी यही बात करूंगा कि ये भी मुझे उम्मीद है कि 60 पार भी हम करेंगे। सर, आप कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं अपने आज पूरे प्रदेश के जितने मेरे कार्यकर्ता हैं उनको यही संदेश देना चाहूंगा कि सभी एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के जितने भी उम्मीदवार हैं उनको जिताने में अपना पूरा सहयोग करेंगे, पूरा योगदान उन्हें दें, उनके साथ तन मन और धन से उनके साथ जुटें और उनको विजयी बनाएं, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में बने आगे, क्योंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिससे कि सभी उत्तराखंड को उसका लाभ मिलता रहे। ऐसी और शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे, देखते रहिए उत्तराखंड खबर प्रियंका रावत के साथ।